नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पंचायत उपचुनाव की हुई घोषणा। बीपीएससी 68वीं मेंस के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। बिहार इन सब चीजों के उत्पादन में रहा टॉप पर। ईवीएम के नए मॉडल से होगा 2024 लोकसभा चुनाव। आईपीएल 2023 रॉयल से हिसाब बराबर करने उतरेंगे सुपर किंग्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिसर बनने का बढ़िया मौका। अगर आप भी भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आरबीआई के द्वारा अधिकारी ग्रेड बी जनरल, अधिकारी ग्रेड बी डीपीआर और अधिकारी ग्रेड बी डीएसआईएम के 291 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए अधिसूचना में जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 9 मई से होने वाली है, जो कि 9 जून तक चलेगी। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 मई से आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस दिन होगी बिहार मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो बिहार मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा देने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा की शुरुआत 10 मई 2023 से होने वाली है। वहीं यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 और 12 तारीख को होने वाली पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जो कि 12:45 तक चलेगी, और फिर दूसरे पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जो कि 5:15 तक चलने वाली है। वहीं 11 तारीख को होने वाली पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी, जो कि 12:15 तक चलेगी, और दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत 2 बजे से होगी, जो कि 4:45 तक चलेगी। इसके अलावा 13 तारीख को होने वाली परीक्षा केवल एक पाली में ली जाएगी, जिसको शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी और 12:15 तक चलेगी। मालूम हो कि इसका रिजल्ट विभाग की ओर से 31 मई तक जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम दुलारी सिन्हा के बारे में। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल थी। वो बिहार से राज्यपाल नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला रही तथा भारतवर्ष में चंद उन महिलाओं में से है जिनकी केरल के राज्यपाल पद पर नियुक्ति हुई। वे इस पद पर 23 जनवरी 1988 से 12 फरवरी 1990 तक रहीं। वह 1952 में पहली बार बिहार विधानसभा की सदस्य बनी। वह 1962 में पटना लोकसभा क्षेत्र से सांसद, 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य, 1980 में शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और 1984 में शिवहर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बिहार की पहली महिला है जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है। आज बिहार की राजधानी में रहेगा चक्का जाम, लोगों की होगी परेशानी। ऑटो यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का आज यानी कि 27 अप्रैल को एक दिवसीय विरोध करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इस विरोध के तहत आज बिहार की राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहने वाले हैं, यानी कि आज राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन नहीं होगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाम से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन के लिए रूट तय किया गया था, जिसके विरोध में संघ के द्वारा बैठक बुलाकर औरतों को रूट परमिट देने के विषय पर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया कि 27 अप्रैल को सभी ऑटो ड्राइवर प्रशासन के खिलाफ विरोध में हड़ताल करेंगे। बीपीएससी 68वीं मेंस के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक बीपीएससी 68वीं के प्रारंभिक परीक्षा में तो सफलता पा ली है, लेकिन अब तक 68वीं मेंस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन नहीं किया था, तो उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अब बीपीएससी 68वीं मेंस के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 29 अप्रैल तक कर दिया गया है, यानी कि अभ्यर्थी अब 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 29 अप्रैल तक आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा, जो कि निर्धारित शुल्क के समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ पैन ड्राफ्ट के रूप में सचिव बीपीएससी पटना के नाम से बनवाकर आयोग के कार्यालय में जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार इन सब चीजों के उत्पादन में रहा टॉप पर। उद्यान निदेशालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार पूरे देश में लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में सबसे टॉप यानी कि पहले स्थान पर है।
वहीं अगर अन्य चीजों के उत्पादन में बिहार का स्थान देखें तो बिहार आलू उत्पादन में देश में 17.1% के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा आम 8% और शहद 12.6% के उत्पादन के साथ बिहार पूरे देश में चौथे नंबर पर है। वहीं केला उत्पादन में बिहार 6% के साथ देश भर में 7वें नंबर पर है। की जानकारी के लिए बता दें कि लीची का उत्पादन पूरे देश भर की तुलना में बिहार में 40% होती है। इसके अलावा मशरूम 10%, मखाना 85% और लंबी भिंडी 13% होती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के बारे में। दरभंगा में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय प्रमुख पर्यटन स्थल है जो आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है। राजकुमार शुभेश्वर सिंह ने इस संग्रहालय की स्थापना के लिए दरभंगा राज के शाही परिवार से संबंधित कीमती और अनूठी वस्तुएं भेंट की। संग्रहालय की स्थापना 16 सितम्बर 1977 को हुई थी। संग्रहालय में दरभंगा राज के कई अनूठे सामान है और इस प्रकार यह दरभंगा राज के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए एक अच्छी जगह है। इस संग्रहालय में 8 हॉल हैं, जिनमें दुर्लभ कलाकृतियां, वस्तुएं, हथियार, शाही सिंहासन और कई अन्य अमूल्य वस्तुएं हैं। यह संग्रहालय सोमवार को छोड़कर हर दिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है और संग्रहालय में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। बिहार में पंचायत उपचुनाव की हुई घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में 3,522 पदों पर होने वाले पंचायत उपचुनाव की घोषणा करते हुए राज्य के सभी निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख दिया गया है। बता दें कि बीते दिन से संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव को लेकर जो तारीख घोषित की गई है उसके अनुसार 2 मई को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और फिर 3 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि 9 मई तक चलेगी। वहीं स्क्रूटनी का काम 10 से 12 मई तक किया जाएगा। इसके अलावा वैसे उम्मीदवार जो इस उपचुनाव से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। वहीं मतदान का कार्य 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद मतगणना का काम 27 मई को किया जाएगा। विश्वविद्यालयों से पोर्टल पर मांगी रिक्तियों की जानकारी। राज्य सरकार के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को रिक्तियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने को कही गई है। दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय की निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव शामिल हुए थे। वहीं इस बैठक के दौरान यह पाया गया कि कई विश्वविद्यालयों के द्वारा अपने रिक्तियों की जानकारी पोर्टल पर नहीं डाली गई है। वहीं कई विश्वविद्यालयों के द्वारा पुनः आईडी पासवर्ड देने का अनुरोध किया गया है जिसे विश्वविद्यालयों को तत्काल उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने रिक्तियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन जिन विश्वविद्यालयों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है उनके लिए यह आदेश जारी किया गया है। बिहार के शहरी इलाकों में देश से ज्यादा जल स्रोत। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जल स्रोतों की गणना करवाई गई है जिसमें बिहार के कुल 45,793 जल स्रोतों की गणना की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के इन 45,793 जल स्रोतों में से 43,831 जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में है और बाकी बचे 1,962 जल स्रोत शहरी क्षेत्रों में है। मालूम हो कि इस गणना से निकले आंकड़े से यह बात निकलकर सामने आई है कि देश में 55.2% जल स्रोतों को स्वामित्व निजी हाथों में है और 44.8% जल स्रोतों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में है। वहीं बिहार में 39.2% जल स्रोतों का स्वामित्व निजी हाथों में है और 7.8% जल स्रोतों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में है। मालूम हो कि देश की तुलना में अधिक जल स्रोत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में केवल 2.9% जल का स्रोत ही शहरी क्षेत्रों में है जबकि बिहार में 4.3% जल का स्रोत शहरी क्षेत्रों में है जो कि देश की तुलना में अधिक है। आरजेडी ने घोषित किए प्रवक्ताओं और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के नाम। बीते दिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा सत्र 2022-25 के अपने प्रदेश प्रवक्ताओं और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। इसमें मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को बनाया गया है। वहीं इज्जा यादव, सतीश कुमार दास, चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, मोहम्मद एजाज अहमद, सारिका पासवान, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। वहीं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इसके अलावा राजनीति प्रसाद को अधिवक्ता प्रकोष्ठ, संतोष कुमार भारती को झुग्गी झोपड़ी एवं स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ, विजय कुमार यादव को पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, पीके चौधरी को आपदा प्रबंधन, अशोक कुमार गुप्ता को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, कुमार राय को शिक्षक प्रकोष्ठ, महेंद्र विद्यार्थी को पंचायती राज प्रकोष्ठ और प्रवीण कुमार मिश्रा कवि जी को दिव्यांग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पटना और हावड़ा के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन।
बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो पश्चिम बंगाल में होने वाले पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब ऐसे अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल जाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा बिहार की राजधानी पटना से हावड़ा के बीच 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक परीक्षा स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03252/03251 पटना हावड़ा पटना के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि 29 अप्रैल को गाड़ी संख्या 03252 पटना हावड़ा परीक्षा स्पेशल ट्रेन पटना से 2 बजे खुलेगी और 11:45 में हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03251 हावड़ा से 30 अप्रैल को 11 बजे खुलेगी और अगले दिन 10 बजे पटना पहुंचेगी। राजस्व संग्रह 27.23% अधिक। वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के बगैर 27.23% अधिक राजस्व संग्रहण किया है। बता दें कि वाणिज्य कर विभाग के प्रयास के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 34,532 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह किया गया है। वहीं ऐसा होने पर मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि विभाग को यह उल्लेखनीय सफलता वाणिज्य कर विभाग द्वारा विभिन्न सर्विस सेक्टर में की गई कार्रवाई का फल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी वाणिज्य कर विभाग के प्रयासों को उत्तम प्रयास माना गया है। बिहार में कक्षा 8 तक के किताबों में पाई गई 2054 गलतियां। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के द्वारा राज्य की कक्षा 8 तक की किताबों में कुल 2054 गलतियां पाई गई हैं। बता दें कि इन 2054 गलतियों में मात्राओं की गलतियां शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें किताबों में मौजूद गलतियों का पता लगाने के लिए SCERT की ओर से एक टीम का गठन किया गया था और इन्हीं गठित टीम के द्वारा किताबों में इन गलतियों की पहचान की गई है और फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनमें सुधार लाया गया है और किताबों को प्रकाशित करवाया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर SCERT के निदेशक सज्जन आर के द्वारा कहा गया है कि कई किताबों में चैप्टर में चित्र चार्ट आदि भी साफ से नहीं दिखाई दे रहे थे, जिनमें सुधार किया गया है। मालूम हो कि किताबों में सुधार आने से अब बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। अप्रैल में लू से तप रहे बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। अप्रैल के 25 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। लू के कहर से परेशान लोगों को तापमान में गिरावट से राहत मिली है। वहीं आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं अगले 24 घंटे तक। उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। वरीय मौसम विज्ञानी डॉक्टर ए सत्तार ने कहा है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। अगले 24 घंटे तक उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। 27 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। ईवीएम के नए मॉडल से होगा 2024 लोकसभा चुनाव। एक तरफ जहां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के द्वारा अपनी जीतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम के नए मॉडल से करवाया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा सभी जिलों को आवंटन जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए ईवीएम की मदद से एक लोकसभा क्षेत्र में एक कंट्रोल यूनिट से 384 प्रत्याशियों को एक साथ मतदान कराया जा सकता है और साथ ही इसके कंट्रोल यूनिट में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है। मालूम हो कि ईवीएम का जो नया मॉडल तैयार किया गया है वह ईवीएम का M3 मॉडल है, जिसे भेल कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया मॉडल पुराने मशीन से काफी अपग्रेड है और कई मायनों में अच्छा है। नहरों व तटबंधों की भूमि पर पौधे लगाकर बढ़ाई जाएगी हरियाली। राज्य में हरियाली को बढ़ाया जा सके इसके लिए नहरों के ढलान व चाट भूमि के साथ साथ नदियों के तटबंधों पर पेड़ लगाए जाएंगे। बता दें कि इसके लिए कार्य योजना भी बना ली गई है और यह भी योजना तैयार कर लिया गया है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि यह निर्णय एक बैठक में लिया गया था जो कि विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। मालूम हो कि इस कार्य की जिम्मेदारी विकास आयुक्त के द्वारा इसकी संयुक्त जिम्मेवारी जल संसाधन विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी गई है। ये दोनों विभाग पौधारोपण के लिए स्थल की पहचान करेंगे और साथ ही इसके लिए कार्य योजना भी बनाएंगे। इसके तहत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के DFO और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को सर्वेक्षण कर जमीन की पहचान का टास्क सौंपा गया है।
प्राकृतिक आपदा से निपटने को लेकर मंत्री शाहनवाज आलम ने कही ये बात। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री के द्वारा ईटीवी भारत के साथ हुए साक्षात्कार में बताया गया है कि बाढ़ से पूर्व राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आपदा विभाग के द्वारा बैठक कर सभी तैयारियों से निपटने का जायजा लिया गया और साथ ही जिन भी चीजों की जरूरत है उसके लिए टेंडर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि हर जिले में SDRF के लिए एक भवन का निर्माण किया जा रहा है ताकि आपदा के समय जवान पहले से भवन में तैयार रहें और साथ ही इस बार आपदा विभाग नई तकनीक का भी प्रयोग कर रहा है। इसके साथ ही नदी के कटाव को रोकने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि विभाग के द्वारा उन लोगों को महज 24 घंटे में मुआवजा दिया जा रहा है जो आपदा से प्रभावित होते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस दिन आ रहे हैं बिहार। पिछले कुछ समय से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह किस दिन बिहार आने वाले हैं। हालांकि उनके आने को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वे भोजपुरी भाषा में बोलते देखे जा रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा है कि का बात बा हो रहुआ, सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर हो जाए, गोर लागी। इसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 13 मई से 17 मई तक आयोजित होने की संभावना है। खुद को सहरसा जेल में किया सरेंडर। बीते दिन बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा खुद को बिहार के सहरसा जेल में सरेंडर कर दिया गया है। बता दें कि 25 अप्रैल को उनके पैरोल की अवधि खत्म हो गई थी, जिस वजह से उन्हें बीते दिन खुद को सरेंडर करना पड़ा। हालांकि खुद को सरेंडर करने के दौरान आनंद मोहन के द्वारा किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वह स्थायी रूप से आज जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनके स्थायी रिहाई के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की सगाई को लेकर 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे। वहीं इससे पहले भी वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर। एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में भगोड़े मेहुल चौकसी को गुजराती ठग बताने को लेकर याचिका दायर कर दी गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई 1 मई को की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि अगर आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते हैं, लेकिन उनकी ठगी को माफ भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि LIC का पैसा बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। IPL 2023 रॉयल से हिसाब बराबर करने उतरेंगे सुपर किंग्स। आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। पिछली बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तब राजस्थान ने 3 रनों से जीत दर्ज की थी, इसलिए इस बार चेन्नई की टीम उसका भी बदला लेने मैदान में उतरेगी। जयपुर का यह मैदान गेंदबाजों को सूट करती है, इसलिए यहां आपको बड़े स्कोर शायद ही देखने को मिले। चेन्नई की टीम जीत के रथ पर सवार है, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज चेन्नई की टीम को रोकना राजस्थान के लिए आसान नहीं रहने वाला है। राजस्थान का टीम अपना पिछला मुकाबला RCB के खिलाफ हार कर आ रही है, वहीं चेन्नई की टीम कोलकाता को 49 रनों से मात देकर आ रही है। चेन्नई के हौसले बुलंद है, लेकिन वो राजस्थान की टीम को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे, इसलिए मुकाबले के दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। हेड टू हेड देखें तो चेन्नई का पलड़ा भारी है। दोनों टीम अब तक 27 बार भिड़े हैं, 15 बार चेन्नई ने जीत दर्ज की जबकि 12 बार राजस्थान ने जीत का स्वाद चखा है। देखना दिलचस्प होगा कि 28वीं बार जब दोनों टीम आमने सामने होगी तो जीत किसकी होती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह बना। मुगल शासक मोहम्मद शाह का 1748 में दिल्ली में निधन हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए 1878 में पहली मंजूरी दी। नेशनल डिफेंस कॉलेज की 1960 में नई दिल्ली में स्थापना हुई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मनी भाई देसाई का 1920 में जन्म हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश P. सत्यशिवम का 1949 में जन्म हुआ।
उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री हरीश रावत का 1947 में जन्म हुआ। 1930 में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक टी के माधवन का निधन हुआ। 2009 में हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का निधन हुआ। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का 70 वर्ष की आयु में 2017 में निधन हुआ। 2009 में हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फिरोज खान का निधन हुआ। पालघर में आज हम बात करेंगे फ्री कुकिंग स्टोव योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री कुकिंग स्टोव योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकार फ्री में सोलर स्टोव देगी, जिसकी 10 साल की गारंटी होगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप का आप 4 फोन में एक साथ कर सकते हैं इस्तेमाल। व्हाट्सएप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। दरअसल व्हाट्सएप का नया अपडेट यूजर्स को एक अकाउंट को 4 फोन में इस्तेमाल करने की सुविधा दे रहा है। ऐसा करने के लिए यूजर्स को साइन आउट करने की भी जरूरत नहीं होगी और ना ही दूसरे फोन में व्हाट्सएप ओपन करने से चैट लॉस होगी। नए फीचर का फायदा खासतौर पर छोटे व्यवसाय के स्वामी का होगा। इस फीचर से आपका कोई भी कर्मचारी अब एक ही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से ग्राहकों को जवाब दे सकेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सएप खोले, मोर ऑप्शन लिंक्ड डिवाइस पर टैप करें, अपने प्राथमिक फोन को अनलॉक करें। अपने प्राथमिक फोन को उस डिवाइस के स्क्रीन पर इंगित करें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं और QR कोड को स्कैन करें। अब आपके दूसरे फोन में व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, मृत्युंजय कुमार, मुटू रंगीला, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, अहमद लक्ष्मण, चंदन गुप्ता, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, मोहम्मद जमीरुल, पुनीता कुमारी, सुनील शर्मा, अजीत रॉय, सीता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी खेती किस फसल की होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।